डैड को मारते वक्त इसने एक बार भी नहीं सोचा। मिस्टर ली से मेरी बात करवाओ। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, देखने में तो टेस्टी लग रहा है। शुक्रिया। हमने एक होटल के चाइनीज रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई थी, लेकिन मिस्टर नैम हमें यहाँ ले आए। यहाँ का खाना ना बहुत टेस्टी होता है, आप खाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। इस जगह को ना छिपा कर रखना चाहिए। सच में बहुत टेस्टी है, कहीं मैं जन्नत में तो नहीं पहुंच गई हूँ, इतना टेस्टी है ये। पता है इसका टेस्ट कैसा है? बिल्कुल टमेटो पास्ता जैसा। मिस्टर कसानो को तो इटली की याद आ गई होगी। ये हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, इतनी देरी के लिए माफ कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैंने सुना पिछले हफ्ते कुछ हंगामा हुआ था। हाँ, बाबेल फार्मास्यूटिकल्स के कुछ शेयर होल्डर्स हमारी मीटिंग में आए थे और हमें गालियां दे रहे थे, स्टॉक प्राइस गिरने के लिए हमारे ऊपर चिल्ला रहे थे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ गालियां देकर ही लौट गए। हाँ, उन सब में फीलिंग्स नाम की चीज ही नहीं है, उन्हें मरने वालों की फिक्र ही नहीं होती। अब छोड़िए उन्हें, जाने दीजिए, मरने वालों को बीच में क्या लाना, अब ये सब सुनने की तो आदत पड़ गई है। हाँ, पर ये गलत आदत है, जब भी कोई बदतमीजी करे तो मुझे फोन कर देना, उसी वक्त पहुँच जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब खाना खाइए ना, बहुत टेस्टी है। मुझे आपको पहले ही बुला लेना चाहिए था, सॉरी थोड़ा काम में बिजी था। हाँ हम समझ सकते हैं, तुम्हारी कंपनी की हालत इतनी पतली जो है। हाँ मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। खैर, उम्मीद है कि हमारी ये दोस्ती फायदेमंद रहेगी। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम तुम्हारे दोस्त नहीं, हम ये सब कॉन्ट्रैक्ट बनाकर कर रहे हैं, अगर हमारी मंजिल एक होगी तो साथ भी लंबा चलेगा। मिस्टर सेओ प्लीज। मुझे लगता है कि इसकी गारंटी के लिए मैं पहले ही काफी कुछ दे चुका हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं तुम हमारे सर पर बैठ जाओगे, अगर कभी गलती से तुमने हमें तकलीफ पहुंचाई